समझ पा गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो ये मैं कॉम्पार का भी 40 एक्शन कैमरा जो आज ऑर्डर किया हूँ। तो वैसे तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ब्लॉगिंग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल ये कैमरा है। तो वही आज मैं इसको ऑर्डर किया, तो सोचा कि इसके बारे में क्या कैसा क्या क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये कैमरा का है, और कुछ मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे ये जो बेतिया का है, तो बेतिया में ये विवेकानंद विद्या मंदिर है, ये बहुत फेमस स्कूल है। तो इसके सामने हम ये कुछ ऐसा कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या है इसके अंदर, और इसका एसेसरीज, तो इसको ओपन करके हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत में हम लोग ये अनबॉक्स करने से पहले इसको पहले देख लेते हैं कि ये बॉक्स में क्या है। तो ये लोगो देख पा रहे होंगे, ये कॉम्पार्क V40 और कॉम्पार्क अल्ट्रा HD 4K एक्शन कैमरा। तो इसमें आपका जो देखा दे रहा है ड्यूअल स्क्रीन, इसमें आगे पीछे आपको दो स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसमें वाईफाई के थ्रू आप अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर पाइएगा, और इसमें 4K वीडियो, 360 वाटर प्रूफ, ये सब आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और ये कुछ बॉक्सा का ऐसा। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो ये सामने देख पा रही, ये दो खंड में इसको दिया हुआ है, और ये हमारा छोटा सा बच्चा सा कैम्पार्क का कैमरा, देखिए कितना अच्छा हाथ में ही आपके उंगली में आ गया ये। और ये जो बक्सा, इसको साइड में कर देते हैं हम, और ये कैमरे नीचे, और इसमें कुछ एसेसरीज है। इसमें आपका ये बैटरी हो गया, इसमें है कि एक्स्ट्रा में आपको और एक बैटरी मिला है, दो बैटरी आपको इसमें, प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको दो बैटरी मिलेगा। और इसके अंदर जो जो है, इसमें माउंट हुआ, ये इसमें आपका ये देखिए रिमोट कंट्रोल भी है, इसके रिमोट की मदद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो हम लोग देख पा रहे, और ये इसको कुछ ऐसे खोलते हैं, फिर देखते हैं हमारा बच्चा सा छोटा सा कैमरा। और ये खोलने के बाद, ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ केस है, और ये हमारा जो कैमरा है। तो इसको जब आप खोलिएगा तो इसका खोलने का बैटरी का देखिए, बैटरी तो लगाना पड़ेगा हमको, तो बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे है, जो यहाँ पे दाब के आप लोग इसको खोलिएगा, ये साइड में बटन है, इसको दाब के प्रेस के राइट साइड में आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो ये खुल जाएगा। तो और ये बीच में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका SD कैमरा, SD जो कार्ड है, मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगेगा। तो इसमें अभी हम मेमोरी कार्ड को लगा देते हैं, इसमें इसको अच्छे से लगाइएगा। तो ये हमारा मेमोरी लग गया, और ये बैटरी को फिर ऐसे अच्छे से देख के आप ऐसे डाल दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए कि वो अपने जगह पे बैठ जाए। ये तो हमारा बैटरी सेटअप हो गया, और इस साइड में जो दिया सेम वही प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पे इसको प्रेस करना है और ऐसे दाब के आगे की तरफ करना है। तो इसमें क्या है हमारा, ये जो चार्जिंग पॉइंट है, इसमें चार्जिंग पॉइंट और आपका जो माइक है, माइक का सपोर्ट इसमें लगा सकते हैं। और ये नीचे की तरफ जो है आपका, यहाँ पे आप ये सेल्फी स्टिक जो स्टिक आ रहा है वो लगा सकते हैं। ये सामने आपका लेंस, मेन लेंस, और ये सेकंड जो आपका डिस्प्ले है, और ये फर्स्ट डिस्प्ले। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आप इसको एक सेकंड प्रेस कीजिए, तो देखिए हमारा ये चालू हो गया, तो कुछ ऐसा है। और आपको ये पीछे देखिए, पीछे तो अभी ये पिछला कैमरा इसका चालू नहीं है, तो इसके लिए आपको ये M ऊपर देख पाइएगा, M जो लिखा है, इसको 3 सेकंड आपको प्रेस करना पड़ेगा, 3 सेकंड। तो करने के बाद ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का स्क्रीन चालू हो गया, और कुछ ऐसा ही है। तो चलिए बाकी हम लोग इसका क्या खूबी है, क्या है इसका क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, फिर आपको जो फ्रंट स्क्रीन आपको ऑन करना है, तो फिर वही सेम आपको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए फिर 3 सेकंड आपको प्रेस करना है, तो ये फ्रंट वाला ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपका दो ऑप्शन में देखिए, वीडियो रेजोल्यूशन आपका आ जाएगा, आपका 1080 3 FPS डिस्प्ले इसका देखिए, बहुत ही इसका जो टच स्क्रीन है बहुत ही अच्छा है इसमें। तो अभी हम इसको कितना में रखें, 1080 में इसको रख रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्ड में साउंड अगर देना चाहते हो वो भी आपका ऑप्शन में है, EVEIS जो है आपका, जैसे आप ये कहीं पे पैदल चल रहे हाथ में लेके, तो आपका जो फोटो है वो कापेगा नहीं, मतलब स्टेबल रहेगा, इसमें गिम्बल की ज़रूरत नहीं है। इसमें प्लस पॉइंट इसमें है EIS लूप रिकॉर्ड, आपका सब ये ऑप्शन में दिया हुआ है, डाटा सेटअप, साउंड। और हाँ,
तो पहले तो आप लोग को इसके साथ जो ये ऐप है जो जो कि आप फ़ोन के सहारे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका इसमें है आई स्मार्ट डी वी, आई स्मार्ट दो स्क्रीन पे आप लोग ये देख पा रहे होंगे आई स्मार्ट डी वी। तो ये एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इससे होगा कि आप अपने इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको अच्छे से देख पाइएगा। तो चलिए इसका रिव्यू कुछ देख लेते हैं अभी। हाँ, तो आप ये जब ऑर्डर कीजिएगा तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आपका कोई स्टिक या कुछ पकड़ने वाला नहीं देता है। तो ये मैंने फिर ये अमेज़न से ही ऑर्डर किया। तो ये देखिए, इसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे कि हमको आसानी से इसको पकड़ बना रहे। तो चलिए बाहर जाते हैं, अभी इसका देखते हैं इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो बाकी सब वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो ये देख पा रहे होंगे अभी हम इसका जो कैमरा क्वालिटी है इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी तो हम पैदल चल रहे हैं, तो आप ये फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, ये अभी मैं घर के सामने से भी जा रहा हूँ रास्ते से ऐसे। कैसा है ये, अब अच्छे से मैं अभी पैदल चल रहा हूँ। तो ये कुछ इसका है, ऐसा है पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये आप कमेंट में बताइएगा कि इसका स्टेबल कैसा है, ये कोई गिम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे अभी पैदल चल रहे हैं हम, कुछ ऐसा इसका है। तो कुछ मेरे पीछे भी देख पाएंगे खेत का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देखिए कुछ स्टेबल आप बता पाएंगे कि इसका क्या क्वालिटी है। तो चलिए आगे और देखते हैं, इसका टेस्टिंग पूरा जारी रहेगा जब तक आप लोग संतुष्ट ना हो जाए और मैं भी संतुष्ट ना हो जाऊँ। क्वालिटी आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम ये उदयपुर जंगल में है। तो ये कुछ जंगल का ये जो व्यू है, तो ये कैमरा से शॉट हो रहा है। ये जो कैंपर V40 कैमरा है मेरा, एक्शन कैमरा, तो इसी से ये शूट हो रहा है। तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि इसका पिक्चर क्वालिटी और स्टेबल कैसा है, कि कोई इसका पिक्चर क्वालिटी काँप रहा है या कुछ भी हिल रहा है या नहीं। और इसका क्वालिटी कुछ ऐसा है। You made a monster.
को मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और आप लोगों के लिए मैं इतना दूर घूम के ये जो एक्शन कैमरा है तो इसका रिव्यू मैंने किया, तो अभी मैं ये पैदल चल रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये जो अभी एक्शन कैमरा है तो आप कुछ दिन में देख पाएंगे कि मेरे चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग हो रहा है। और ये मेरा एक ड्रोन भी आ रहा है तो उसका ड्रोन भी आप लोगों को अनबॉक्सिंग करेंगे। और ड्रोन से मेरा जितना भी ब्लॉग बनेगा तो वो हम ब्लॉग तो बनाएंगे। और ये क्वालिटी देखिए, इसके पीछे से बैकग्राउंड देखिए लग रहा है कैसे इतना अच्छा से ये। तो ये मैं जब वीडियो बना रहा था तो ये मेरे गांव के जो बुज़ुर्ग हैं तो ये बोले कि ये क्या है इतना छोटा सा ये कैमरा, इसका क्वालिटी इतना अच्छा है। तो ये तो देख पा रहेंगे हमारे गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं तो ये है। तो चलिए आप लोग बताइए कि ये कैमरा कैसा, क्या इसका पिक्चर क्वालिटी स्टेबल कैसा है।